हेलो एवरीवन, हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप सब? होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और हेल्दी होंगे। वेलकम टू द चैनल ऑफ अन अकेडमी। इफ़ यू वांट टू क्रैक योर एग्जाम्स, अगर आप अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं अपने स्कूल एग्जाम्स में, तो अभी ज्वाइन कीजिए अन अकेडमी और अन अकेडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन लीजिए और मेरा कोड NB01 लगाइए और फ्लैट 10% डिस्काउंट आपको मिलेगा। जैसे ही आप मेरा कोड अप्लाई करेंगे NB01, देन यू विल गेट फ्लैट 10% डिस्काउंट। तो ज्वाइन कीजिए अभी। वेलकम टू माय क्लास एवरीवन। मेरा नाम है नेहा बंसल, मैंने BSc किया हुआ है दिल्ली यूनिवर्सिटी से, BEd NTT एंड PTT। मुझे 6 साल का एक्सपीरियंस है, आप जैसे बहुत सारे बच्चों को मैंने पढ़ाया हुआ है। ओके, आज हम अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज फाइबर टू फैब्रिक। 6 क्लास का ये न्यू चैप्टर है, 3rd चैप्टर, फाइबर टू फैब्रिक। बच्चों, फाइबर क्या होता है? फाइबर आपने नाम भी सुना होगा। फाइबर क्या होता है? एक धागा, जिसे हम कहते हैं फाइबर। और फैब्रिक क्या होता है? जो हम पहनते हैं, जो कपड़ा बनता है उन धागों से, ठीक है ना? जो कपड़े हम पहनते हैं बेटा, वो फैब्रिक फाइबर्स के ही बने होते हैं। जो फैब्रिक हम पहनते हैं, जो कपड़े हम पहनते हैं, वो फाइबर्स से ही बने होते हैं, धागों से कपड़े बनते हैं, ठीक है? ऐसे नहीं कि ऐसे ही कपड़े बन जाते हैं, नहीं। वो छोटे छोटे पतले पतले धागों को ज्वाइन करके, उनको वीव करके, वो सब हम आगे पढ़ेंगे अभी कि कैसे फाइबर जो है वो फैब्रिक में कन्वर्ट किया जाता है। जैसे ये है बेटा फाइबर, धागे जिन्हें हम कहते हैं, ठीक है? अलग अलग कलर्स के, अलग अलग वैरायटी के धागे होते हैं, जिन्हें फैब्रिक, जिनसे फैब्रिक बनाया जाता है, कपड़ा बनाया जाता है। ओके, नेक्स्ट इज, अब हम इस आज क्या क्या टॉपिक्स कवर करेंगे वो आइए जानते हैं। टाइप्स ऑफ फाइबर्स, फाइबर्स कितने तरह के होते हैं, प्लांट फाइबर, यार्न टू फैब्रिक, यार्न मतलब गोला, गोले से फैब्रिक कैसे कन्वर्ट करते हैं, एंड हिस्ट्री ऑफ क्लोदिंग मटीरियल, ये सब टॉपिक्स आज हम कवर करने वाले हैं। क्लोथ्स, बेटा कपड़े क्या होते हैं ये तो आप सब जानते हैं कि क्लोथ्स आर द थिंग्स वॉन्ट टू कवर आवर बॉडी। क्लोथ्स क्या होते हैं, कपड़े क्या होते हैं, हम अपनी बॉडी को कवर करने के लिए जो चीज़ पहनते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? क्लोथ्स, कपड़े। पीपल लिविंग इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री एंड द वर्ल्ड वियर डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्लोथ। अलग अलग जगह, अलग पूरे वर्ल्ड में अलग अलग जगह अलग अलग तरह के कपड़े पहने जाते हैं, ये तो आप सबको पता ही है ना बेटा। और अलग अलग तरह के लोग अलग अलग तरह के कपड़े पहनते हैं, ये भी आपको पता है। और ये किस चीज़ पे डिपेंड करता है? एक तो वेदर कंडीशंस के ऊपर, जहाँ पे ठंड होगी बेटा वहाँ पे लोग वुलन क्लोथ्स पहनेंगे, जहाँ पे गर्मी होगी वहाँ पे लोग समर क्लोथ्स पहनेंगे। वेदर कंडीशंस कैसी होती है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है, और उनका कल्चर, उनका कल्चर कैसा है उसके ऊपर डिपेंड करता है, राइट? जैसे साउथ इंडिया, अगर हम सिर्फ इंडिया की ही बात करें तो इंडिया में ही तरह तरह के लोग हैं और वो लोग अलग अलग तरह से कपड़े पहनते हैं। जैसे साउथ इंडिया में क्या पहनते हैं? लुंगी, शर्ट, ये सब चीज़ें ज़्यादा पहनते हैं, राइट? एंड नॉर्थ इंडिया में ट्राउजर्स, जीन्स, ये सब चीज़ें, पूरा वेस्टर्न तरीके से जो होते हैं कपड़े, वो चीज़ें ज़्यादा पहनी जाती है नॉर्थ इंडिया में। नॉर्थ इंडिया में मीन्स दिल्ली, NCR और ये सब आसपास की जो जगह है, राइट? अब जैसे अगर हम नॉर्थ इंडिया में बिल्कुल ऊपर चले जाएं तो वहाँ पे कश्मीर और हिमाचल प्रदेश, इस तरफ कौन से कपड़े पहने जाते हैं? विंटर क्लोथ्स, क्योंकि उधर ठंड होती है, तो वो लोग स्वेटर, जैकेट्स, लॉन्ग कोट्स, इस टाइप के चीज़ें पहनते हैं, राइट? ईस्टर्न साइड अलग तरह का पहनावा होता है, उन लोगों का कल्चर अलग होता है, वेस्ट साइड अलग होता है, साउथ साइड अलग है इंडिया। ये तो सिर्फ इंडिया की बात हुई बेटा, अगर हम पूरे वर्ल्ड को भी देखें ना, तो हर तरह के लोग होते हैं और हर तरह का कल्चर और अलग अलग तरह की वेदर कंडीशंस के अकॉर्डिंगली लोग कपड़े पहनते हैं। ओके, सो फील द मैटर ऑफ योर क्लोथ्स, मटीरियल ऑफ योर क्लोथ्स, सम आर सॉफ्ट एंड सम आर कोर्स। अपने कभी जो आपने अभी कपड़े पहने हुए हैं, अभी पहने हुए हैं ना, उनको मेरे कहने से ना एक बारी छू के देखो, फील करके देखो, करा? ठीक है, तो कुछ कपड़े तो आपको सॉफ्ट लगेंगे, ठीक है? काफ़ी कपड़े जो होते हैं वो बहुत सॉफ्ट होते हैं और काफ़ी थोड़े से रफ होते हैं, हार्श होते हैं, राइट? तो वो अलग अलग मटेरियल से बनते हैं, वो अभी हम पूरा डिस्कस करेंगे। दीज आर सम ऑफ द क्लोथ्स दैट वी यूजुअली वेयर, दैट चिल्ड्रन यूजुअली वेयर। ओके,
फाइबर. फाइबर इज अ थिन थ्रेड ऑफ नेचुरल और आर्टिफिशियल सब्सटेंस. फाइबर क्या है, एक नेचुरल तरीके से बनाओ चाहे आर्टिफिशियल तरीके से हमें मिलता है, एक पतला थ्रेड होता है, पतला धागा जिसे हम फाइबर कहते हैं. स्पेशली वन दैट इज यूज टू मेक क्लोथ और रोब. रस्सी या कपड़े बनाने के जो काम आता है उसको हम फाइबर कहते हैं. और फाइबर नेचुरली भी हमें मिलता है और आर्टिफिशियली भी, दोनों तरीके से फाइबर्स हमें मिलते हैं. ये कुछ यान है, यान मतलब गोले. फाइबर होता है, धागा होता है, धागे को ऐसे ऐसे रोल रोल करके उसके गोले बनाए जाते हैं, यान बनाए जाते हैं, राइट. नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ फाइबर. फाइबर कितने तरह के होते हैं बेटा? फाइबर जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, ठीक है. वी गेट दीज फाइबर्स फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स. हमें फाइबर्स प्लांट से भी मिलता है और एनिमल्स से भी मिलते हैं, ओके. एंड सम फाइबर्स आर मेड आर्टिफिशियली. और कुछ फाइबर्स जो है वो फैक्ट्रीज में भी रेडी किए जाते हैं आर्टिफिशियल तरीके से, ओके. दीज आर टू टाइप्स ऑफ फाइबर. देर आर टू टाइप्स ऑफ फाइबर्स, नेचुरल फाइबर्स एंड सिंथेटिक फाइबर्स. बेटा नेचुरल से आप खुद ही समझ जाएंगे कि नेचुरल फाइबर मतलब जो हमें प्लांट और एनिमल्स से मिलता है उनको हम क्या कहते हैं, नेचुरल फाइबर, क्योंकि वो नेचुरली तरीके से हमें मिल रहा है. और सिंथेटिक फाइबर, सिंथेटिक का मतलब ये होता है जो आर्टिफिशियली फैक्ट्रीज में प्रिपेयर किए जाते हैं, उन्हें हम कहते हैं सिंथेटिक फाइबर्स. नेचुरल फाइबर, फाइबर्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज लाइक प्लांट्स एंड एनिमल्स. नेचुरल सोर्सेज से जो हमें फाइबर्स ऑब्टेन्ड होता है उसको हम कहते हैं नेचुरल फाइबर, ठीक है. इसमें कोई फैक्ट्री का काम नहीं है, कोई मशीन का काम नहीं है, कोई आर्टिफिशियल कोई भी केमिकल्स का काम नहीं है इसमें. ये नेचुरल तरीके से नेचुरली हमें ऑब्टेन्ड होते हैं ये फाइबर्स. दीज आर ऑफ टू टाइप्स. कैसे कैसे होते हैं? एनिमल फाइबर एंड प्लांट फाइबर. एनिमल से भी हमें नेचुरल फाइबर मिलता है और प्लांट से भी हमें नेचुरल फाइबर मिलता है. कैसे? एनिमल फाइबर कैसे? फाइबर विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स आर नोन एज एनिमल फाइबर. जो फाइबर हमें एनिमल्स से मिलता है उसको हम क्या कहते हैं? एनिमल फाइबर. जैसे वूल, वूल का अगर एग्जाम्पल लें तो वूल हमें किससे मिलती है बेटा? सबसे ज़्यादा अगर आप लोग जानते हैं तो वूल हमें किससे मिलती है? शीप, भेड़ जिसे कहते हैं, शीप. शीप के ऊपर बहुत सारी वूल होती है, उसकी स्किन ही ऐसी होती है बेटा, वो बार बार उसको हटाते हैं और वो फिर से वूल आ जाती है, राइट. तो वूल किस काम आती है? जिसे हम ऊन कहते हैं. ऊन किस काम आती है? विंटर क्लोथ्स बनाने के लिए, स्वेटर्स, कैप्स, सॉक्स, जैकेट्स, ये सब किससे बनती है? वूल. और वूल हमें किससे ऑब्टेंड होता है? फ्रॉम द फ्लीस ऑफ द शीप. जो शीप के ऊपर, जैसे आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, जो गोल 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 ऐसे बना हुआ है उसे हम क्या कहते हैं? फ्लीस. उसको शियरिंग के प्रोसेस के थ्रू हटाया जाता है मशीन से, या जिस जो भी उनका प्रोसेस रहता है उससे वो हटाते हैं, ठीक है. और उसके बाद इस वूल को वो लोग मशीन्स में शेयर करके और फैब्रिक बनाए जाते हैं. पहले फाइबर बनता है उसका, उसके बाद उसके फैब्रिक बनते हैं, ओके. और वूल हमें और भी कुछ एनिमल्स हैं जिनसे ऑब्टेन्ड होती है, जैसे याक, हेयर ऑफ याक, गोट, रैबिट एंड कैमल. इनके बालों से भी फाइबर फैब्रिक्स बनाए जाते हैं, राइट. नेक्स्ट इज सिल्क. ये भी एक सिल्क जो है वो भी हमें एक और एनिमल से ही मिलता है. कैसे? सिल्क फाइबर इज ऑब्टेन फ्रॉम सिल्क वॉर्म. दिस इज सिल्क वॉर्म. सिल्क वॉर्म होता है बेटा, और इससे हमें सिल्क फाइबर ऑब्टेंड होती है, ठीक है. सिल्क फाइबर इज ड्रॉन फ्रॉम द कुकून ऑफ सिल्क वॉर्म. सिल्क वॉर्म के कुकून से सिल्क फाइबर जो है वो निकाला जाता है, वो मिलता है. और आपको पता है बेटा, एक सिल्क वॉर्म, ठीक है, इतने टाइम, बहुत ज़्यादा टाइम लगाता है थोड़ा सा सिल्क बनाने में. इसीलिए वो सिल्क जो है वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है, जो प्योर सिल्क होता है. आर्टिफिशियली भी सिल्क बनाया जाता है, वो इतना कॉस्टली नहीं होता, बट जो प्योर सिल्क होता है वो इसीलिए इतना कॉस्टली होता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सिल्क वॉर्म्स जब बनाते हैं तब जाके वो थोड़ा सा सिल्क हमें ऑब्टेंड होता है. उसमें बहुत टाइम लगता है इस प्रोसीजर में, इसीलिए सिल्क जो है वो बहुत कॉस्टली फैब्रिक है. प्लांट फाइबर. अब प्लांट फाइबर्स कौन से हैं? फाइबर्स विच आर ऑब्टेंड फ्रॉम प्लांट्स आर नोन एज प्लांट फाइबर्स. फाइबर्स जो प्लांट से हमें ऑब्टेंड होते हैं, जो प्लांट से हमें फाइबर्स मिलते हैं उनको हम कहते हैं प्लांट फाइबर्स. जैसे कॉटन, जूट, फ्लैक्स, ये
प्लांट्स हैं जिनसे हमें फाइबर ऑब्टेन्ड होता है। कॉटन तो आप सब जानते ही है, रुई, ठीक है ना, कॉटन रुई, रुई की आपके घर में कॉटन बहुत यूज़ होता है बेटा, यूज़ होता है नहीं होता है, कॉटन एज अ फैब्रिक भी यूज़ होता है और कॉटन को हम रॉ भी वैसे भी यूज़ करते हैं। कैसे यूज़ करते हैं, जैसे अगर आपके कभी चोट लग जाती है तो कॉटन में डिटॉल लगा के मम्मा रब करती है ना, करती है ना। घर में अगर भगवान जी की पूजा करते हैं तो उसमें जोत जलाते हैं, वो भी कॉटन की होती है, राइट। तो कॉटन के बहुत सारे यूजेस होते हैं और जूट, जूट के भी सेम इसी तरह से बहुत यूजेस होते हैं, अभी आगे हम डिटेल में इसको पढ़ेंगे। ओके, दिस इज कॉटन प्लांट एंड दिस इज जूट फैब्रिक। सिंथेटिक फाइबर, सिंथेटिक फाइबर क्या होते हैं बेटा, द फाइबर्स विच आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम केमिकल सब्सटेंसेस, जो केमिकल्स मिला के, केमिकल सब्सटेंसेस के थ्रू जो फाइबर्स प्रिपेयर किए जाते हैं इंडस्ट्री में, उनको कहते हैं सिंथेटिक फाइबर्स। जो फैक्ट्रीज में फाइबर्स प्रिपेयर किए जाते हैं उन्हें हम कहते हैं सिंथेटिक फाइबर्स। दे आर ऑल्सो नोन एज आर्टिफिशियल फाइबर्स, इन्हें आर्टिफिशियल फाइबर्स भी कहा जाता है क्योंकि ये हमें नेचुरली तरीके से ऑब्टेन नहीं हो रहे हैं, तो ये आर्टिफिशियल है, आर्टिफिशियली ऑब्टेंड हो रहे हैं, आर्टिफिशियली हम इनको बना रहे हैं, तो ये आर्टिफिशियल फाइबर भी कहलाए जाते हैं, जैसे नायलॉन, पॉलिएस्टर, पीवीसी, टेरेलिन, ये दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स। ओके, नाउ दिस इज वन एक्टिविटी, आई हैव अ थ्रेड, ओके, दिस इज फाइबर, टेक सम, मेरे पास यही अवेलेबल था, बिकॉज ऑफ कोविड मैं बाहर नहीं जा सकती, ठीक है, तो ये है, ठीक है, ये एक थ्रेड है, राइट, जैसे ये एक फैब्रिक है, उसमें से हमने एक थ्रेड निकाल लिया, ओके। अब इस थ्रेड को जब आप टेबल पे रख के ऐसे और ऐसे ऐसे इसको अपने नेल्स से थोड़ा सा रगड़ेंगे, जैसे मैं अभी करूँगी, नेल्स से जब मैंने इसको रब किया तो हमें क्या मिलेगा, ऐसे स्ट्रैंड्स, इसको हम कहते हैं स्ट्रैंड्स, बहुत पतले पतले, अगर आप देख सकते हैं इसमें से स्ट्रैंड्स निकल गए बेटा, तो ये देखो, ये एक एक स्ट्रैंड को ज्वाइन करके एक थ्रेड बनाया गया था, राइट, देखो कितने पतले पतले स्ट्रैंड्स हैं इसके, है ना, तो इन सब को, ये पतले 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 स्ट्रैंड्स को ज्वाइन करके एक थ्रेड बनाया गया था, ओके। तो अब आप देख सकते हैं कि कितना पतला पतला स्ट्रैंड्स को बेटा रेशा कहते हैं, जैसे कपड़े का रेशा, इसको ये रेशे जॉइन कर करके मिला मिला के इनको एक थ्रेड बनाते हैं, और थ्रेड जब फाइबर बनता है तो उससे क्या बनता है, फैब्रिक, फिर उसको जॉइन करके एक फैब्रिक बनाया जाता है। कॉटन, अब कॉटन क्या है, कॉटन इज द मोस्ट वाइडली यूज नेचुरल फाइबर, सबसे ज्यादा यूज होने वाला नेचुरल फाइबर कॉटन है। कॉटन के बहुत सारे कपड़े होते हैं बेटा, सूट, साड़ीज, आप लोग भी शर्ट्स, ट्राउजर्स पहनते हैं, ठीक है, वो सब कॉटन की होती है, कॉटन के कुर्ते होते हैं, धोती लोग पहनते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कॉटन से बनाई जाती हैं, फैब्रिक, ठीक है ना। तो कॉटन बहुत ही सॉफ्ट होता है, नेचुरल होता है, तो इसीलिए काफ़ी लोग एलर्जिक भी होते हैं ना बेटा सिंथेटिक कपड़ों के, ठीक है, तो वो लोग कॉटन वेयर करते हैं ज़्यादातर, बिकॉज कॉटन एलर्जिक नहीं होता, कॉटन से एलर्जीज नहीं होती, बिकॉज वो नेचुरली ऑब्टेंड होता है, नेचुरल फाइबर होता है, तो वो उससे किसी भी को भी स्किन प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं, काफ़ी लोगों को सिंथेटिक चीज़ों से स्किन प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, ओके। सो इसीलिए कॉटन जो है वो सॉरी सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला नेचुरल फाइबर है। कॉटन फाइबर कम्स फ्रॉम द कॉटन प्लांट्स विच आर ग्रोन इन द फील्ड। कॉटन फाइबर कहाँ से आता है, कॉटन प्लांट्स, कॉटन क्रॉप्स होती हैं जो फील्ड में, जो खेतों में उगाई जाती हैं, वहाँ से कॉटन मिलता है। जैसे ये देखो कितने सारे कॉटन के प्लांट्स लगे हुए हैं, जिनमें इतनी सुंदर, कितना सुंदर लग रहा है ना, कितना ब्यूटीफुल पिक्चर है ये, कि कॉटन ऐसे छोटी 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 रुई उसमें लगी हुई है ना। सो इट ग्रोज बेस्ट इन वार्म वेदर, बेटा जहाँ पे गर्मियाँ होती हैं ना, जब गर्मियों का सीज़न होता है उस टाइम में ही कॉटन की क्रॉप जो है वो बहुत अच्छी ग्रो करती है। इंडिया में इट इज़ ग्रोन इन महाराष्ट्र, सबसे ज़्यादा कॉटन की क्रॉप्स कहाँ पे होती है, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में और गुजरात में, यहाँ पे समर सीजन्स में सबसे ज़्यादा कॉटन की क्रॉप्स पूरे इंडिया में पाई जाती हैं। नेक्स्ट इज गिनिंग ऑफ कॉटन, द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग कॉटन फाइबर फ्रॉम द सीड्स इज कॉल्ड गिनिंग। बेटा कॉटन, जैसे अभी आपने पीछे देखा था ना कि ये है कॉटन का प्लांट,
है ना, तो उसमें क्या है, जो कॉटन होती है ना उसके अंदर सीड होता है कॉटन का, ठीक है, तो उस कॉटन के सीड को कॉटन के अंदर से रिमूव करने के प्रोसेस को क्या कहते हैं, गिनिंग। समझ में आया, कॉटन है, कॉटन के अंदर एक बीज होता है, उसका एक सीड होता है, तो वो सीड को तो हम यूज़ नहीं कर सकते हैं ना बेटा, वो सीड को हम फैब्रिक बनाने में कैसे यूज़ करेंगे, है ना, तो उस सीड को कॉटन जो है हमारी उससे सेपरेट करने के प्रोसेस को हम कहते हैं गिनिंग, ठीक है, गिनिंग ऑफ कॉटन। गिनिंग वॉज ट्रेडिशनली डन बाय हैंड्स बाय यूजिंग अ कॉम लाइक डिवाइस। गिनिंग जो है वो ट्रेडिशनली पुराने ज़माने में कैसे करते थे या अभी भी करते हैं कि हैंड से भी, ओके, गिनिंग हैंड से भी होती थी, एक कॉम लाइक डिवाइस होता था, उससे हाथों से वो जो कॉटन है और उसके सीड्स हैं उनको सेपरेट कर देते थे, ओके, एंड दीज डेज गिनिंग, आज के टाइम में बेटा हाथ से मेरे ख्याल से मुश्किल से ही कोई काम होते होंगे, बहुत कम होता होगा, राइट, तो ज़्यादातर मशीन से, टेक्नोलॉजीज इतनी है, ज़्यादातर मशीन से लोग काम करते हैं, ओके, सो दीज डेज गिनिंग इज ऑल्सो डन बाई यूजिंग मशीन्स। गिनिंग हो सकता है हाथों से भी करते हो कहीं पे भी, कुछ जगहों पे, लेकिन ज़्यादातर जो है वो मशीन से ही करी जाती है। मशीन ऐसी ही बनाई गई है कि जिससे कॉटन और उसका सीड, उसके अंदर जो सीड है वो सेपरेट हो जाए। जैसे बेटा ये है, ये कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर है, ये जो गिनिंग जो हो रही है, ये देखो छोटे छोटे सीड्स भी आप देख सकते हैं ब्लैक, वो उस कॉटन से रिमूव किए जा रहे हैं, ऐसे कॉम लाइक स्ट्रक्चर इससे होता है, इससे हाथों से होता है, और ये है मशीन गिनिंग की जो कॉटन और कॉटन सीड को रिमूव करती जा रही है, ओके। नेक्स्ट इज फ्लैक्स। फ्लैक्स इज ऑल्सो अ प्लांट दैट गिव नेचुरल फाइबर्स। फ्लैक्स भी एक ऐसा प्लांट है जो नेचुरल फाइबर देता है, ठीक है, नेचुरली हमें उससे भी फाइबर मिलता है। द फाइबर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्टेम ऑफ फ्लैक्स प्लांट। फाइबर्स जो है वो हमें फ्लैक्स प्लांट के कहाँ से मिलते हैं, फाइबर्स कहाँ से हम बना पाते हैं, उसके स्टेम से, जो उसकी स्टेम होती है उनसे फाइबर्स बनते हैं। द क्लोथ मेड ऑफ स्टेम फाइबर्स ऑफ फ्लैक्स इज कॉल्ड लिनन। और जो उसके स्टेम से जो फाइबर्स बनते हैं और उसके बाद जो उसका कपड़ा बनता है, जो फैब्रिक बनता है, जो क्लोथ बनता है, उसको हम क्या कहते हैं, लिनन। लिनन का जो फैब्रिक होता है वो फ्लैक्स प्लांट से ही बनता है। लिनन इज यूज्ड फॉर मेकिंग बेडशीट्स एंड क्लोथ्स। लिनन की बेडशीट्स भी बनती हैं बेटा, और कपड़े भी बनते हैं, शर्ट्स भी बनते हैं, कुर्ते भी बनते हैं लिनन के, ठीक है। दिस इज स्टेम ऑफ फ्लैक्स प्लांट, ठीक है, और ये है लिनन। ये लिनन का यार्न है, ठीक है, पहले लिनन का फाइबर, ओके, फाइबर को यार्न में कन्वर्ट किया और यार्न को फैब्रिक में, राइट। जूट। जूट तो बेटा आप लोगों ने सुना भी होगा, जैसे हम जैसे जूट की बोरी होती थी ना पहले, बोरी आती है ना, जूट बैग्स भी आते हैं, राइट, तो जूट क्या होता है, जूट फाइबर इज ऑल्सो ऑब्टेन्ड इज ऑल्सो अ नेचुरल फाइबर। जूट भी एक नेचुरल प्लांट फाइबर है, एंड इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्टेम ऑफ जूट प्लांट। ये भी जूट प्लांट की स्टेम से ही ऑब्टेन किया जाता है जूट। इन इंडिया जूट इज मेनली ग्रोन इन वेस्ट बंगाल एंड बिहार एंड असम। इंडिया में जूट जो है वो ज़्यादातर कहाँ पे उगाया जाता है, वेस्ट बंगाल, असम एंड बिहार। जूट इज मेनली कल्टिवेटेड इन रेनी सीजन। बेटा अभी हमने देखा था कि कॉटन कब कल्टिवेट होता है, कॉटन की क्रॉप सबसे ज़्यादा कब होती है, समर सीजन्स में, बट जूट की क्रॉप सबसे ज़्यादा कब होती है, रेनी सीजन में। इट इज़ यूज टू मेक रोप्स एंड जूट बैग्स। ये किस लिए काम आता है, रोप्स रस्सियाँ होती है ना, जूट की रस्सी देखी आपने कभी, ब्राउन कलर की होती है रस्सी, वो रस्सी बनाने के भी काम आता है, और जूट बैग्स, जूट के बैग्स भी बनाने के काम आता है। देखो ये है स्टेम, जो जूट की स्टेम है, इसको सुखाया जाता है, फिर इससे फाइबर बनता है, यार्न बनाया हमने जूट का, ओके, और यार्न से क्या बनाया, फैब्रिक, फैब्रिक में क्या बनता है जूट से, जूट बैग्स, ओके। नेक्स्ट इज मेकिंग ऑफ फैब्रिक्स। फैब्रिक्स को कैसे बनाया जाता है, द फैब्रिक्स आर मेड फ्रॉम फाइबर्स इन द फॉलोइंग टू स्टेप्स। फाइबर्स, अभी हमने देखा फाइबर्स कैसे बनते हैं, राइट, अब फाइबर्स से फैब्रिक कैसे बनता है, वो उसके दो स्टेप्स हैं। फाइबर्स आर फर्स्ट कन्वर्टेड टू यार्न बाय द प्रोसेस ऑफ स्पिनिंग। स्पिनिंग के प्रोसेस से फाइबर्स को यार्न में कन्वर्ट किया जाता है, उनके
गोले बनाए जाते हैं, ऐसे बेटा हाथ से नहीं बनाते हैं बैठ के, वो स्पिनिंग का प्रोसेस होता है, सब मशीन से आजकल काम होता है, ओके। एंड फैब्रिक इज मेड फ्रॉम यार्न बाय द प्रोसेस ऑफ वीविंग और निटिंग। अब वो यार्न बन गया, उसके बाद उसका फैब्रिक कैसे बनता है, किस प्रोसेस से बनता है, वीविंग और निटिंग के प्रोसेस से, ठीक है। वीविंग मतलब बुनाई, निटिंग मतलब सिलना, उसके प्रोसेस से वो फैब्रिक जो है वो बनता है, फाइबर जो है वो फैब्रिक में कन्वर्ट हो जाता है। वीविंग, निटिंग, स्टिचिंग, ये सब होता है ना, बुनाई, सिलाई, इन सब से करके वो फैब्रिक बनता है। सिलाई, जो सिलाई होती है ना, सीविंग जो होती है, उससे हम फैब्रिक को सिलते हैं। वीविंग और निटिंग से क्या होता है, वो फैब्रिक वीव होता है, बनता है, ओके, कपड़ा बनता है जिसे कहते हैं कपड़ा। मेकिंग ऑफ यार्न फ्रॉम फाइबर्स। अब फाइबर्स से यार्न, गोला कैसे बनाया जाता है, यार्न इज अ काइंड ऑफ लॉन्ग ट्विस्टेड थ्रेड, ओके, एक लंबा ट्विस्टेड मुड़ा हुआ, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया था ना, ऐसे कभी भी आप किसी भी थ्रेड को देखना, वो ऐसे ऐसे ट्विस्ट होती है, ओके। यार्न इज मेड फ्रॉम फाइबर्स बाय द प्रोसेस ऑफ स्पिनिंग। फाइबर्स के प्रोसेस से, वो सॉरी, स्पिनिंग के प्रोसेस से, अभी जैसे मैंने आपको दिखाया था फाइबर्स से उसका एक यार्न बनाया जाता है, उसको ऐसे ऐसे करके मोड़ा जाता है, ओके, गोल 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 घुमाया जाता है। एंड स्पिनिंग कन्वर्ट्स फाइबर्स इनटू यार्न। और स्पिनिंग क्या करती है, स्पिनिंग का मतलब बेटा वैसे होता है स्पिन, स्पिन का मतलब घूमना, स्पिनिंग क्या करती है, उन फाइबर्स को यार्न में कन्वर्ट कर देती है। और यार्न कैन बी मेड फ्रॉम फाइबर्स बाय यूजिंग, और यार्न उसके बाद कैसे बनता है उन फाइबर्स से, थ्री स्टेप्स, उसके तीन तरीके हैं बनाने के, हैंड स्पिंडल जिसे हम टकली भी कहते हैं, स्पिनिंग व्हील जिसे चरखा कहते हैं, एंड स्पिनिंग मशीन्स, ओके, तीन तरह से बनाया जाता है यार्न। दिस इज हैंड, दिस इज टकली जिसे अभी मैंने बताया था ना, तो इसमें क्या करते हैं, नीचे एक नीडल होती है, उसमें फंसाते हैं और ऐसे 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 रोल करते जाते हैं फाइबर को, तो उससे वो गोला बन जाता है, ठीक है। दिस इज चरखा, गांधी जी के फोटो में आपने देखा होगा चरखा, गांधी जी हमेशा चरखा यूज करते थे कपड़े बनाने के लिए, ठीक है ना। एंड दीज आर द मशीन्स, आजकल सब काम मशीन से होते हैं, ठीक है ना, तो मशीन से यार्न रेडी किए जाते हैं फाइबर्स से। मेकिंग फैब्रिक्स फ्रॉम यार्न। अब यार्न तो बन गया, गोले तो बन गए उनके, अब उनसे फैब्रिक कैसे बनाए जाते हैं, कपड़ा कैसे बनाया जाएगा। फैब्रिक्स आर मेड फ्रॉम यार्न बाय टू मेन प्रोसेस, दो मेन प्रोसेस हैं फैब्रिक से क्या बनाने, सॉरी, यार्न से फैब्रिक बनाने में, वीविंग एंड निटिंग। अब वीविंग क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग अ फैब्रिक बाय अरेंजिंग यार्न्स, क्या होता है बेटा, द प्रोसेस क्या, किस चीज का प्रोसेस है, ऑफ मेकिंग अ फैब्रिक, फैब्रिक को बनाने का, कपड़े को बनाने का, अरेंजिंग यार्न्स, पासिंग इट वन डायरेक्शन विद अदर यार्न्स एट राइट एंगल्स टू देम इज कॉल्ड वीविंग। जैसे हम, द वीविंग ऑफ यार्न इज ऑफ यार्न टू मेक फैब्रिक्स इज डन बाय लूम्स, लूम्स होते हैं बेटा, उनसे ये वीविंग बनाई, वीविंग करी जाती है, ठीक है। वीविंग क्या होता है कि एक ही डायरेक्शन में हम पास कर रहे हैं यार्न्स को, ठीक है ना, एट राइट एंगल्स 90 डिग्री के, उसमें हम एक ही डायरेक्शन में उसको पास कर रहे हैं, तो उससे कपड़ा वीव होता है। देखो आगे मैं अभी दिखाती हूँ आपको कैसे होता है, वेट, देर आर टू टाइप्स ऑफ लूम्स, हैंडलूम एंड पावर लूम। हैंडलूम मतलब द लूम विच इज वर्क बाय हैंड इज कॉल्ड हैंडलूम, वो लूम उस तरह से जो कैसे काम करता है हाथों से, वो हैंडलूम होता है। एंड पावर लूम जो मशीन से, इलेक्ट्रिक पावर से काम करता है, वो होता है पावर लूम। बेटा दिस इज हैंडलूम, देखो मैंने आपको बताया था ना, हाथों से जब ऐसे ऐसे करते हैं तो वो फैब्रिक जो है वो वीव होता है, फाइबर्स वीव होते हैं और वो फैब्रिक में कन्वर्ट होते हैं, राइट। एंड दिस इज पावर लूम, जो मशीन ऊपर आप देख रहे हैं, ऊपर वाली इमेज में, उसमें क्या है, सॉरी, ऊपर वाली मशीन में फैब्रिक बन के आ रहा है, और वो बनता कैसे है, इस तरह से, ये भी आगे पीछे आगे पीछे, इस तरह से वो वीविंग होती है उस कपड़े, उस फैब्रिक, सॉरी, फाइबर्स की, और वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, फैब्रिक में।
नेक्स्ट इज निटिंग, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग अ फैब्रिक बाय इंटरलॉकिंग लूप्स ऑफ सिंगल यार्न विद निटिंग नीडल्स ऑन मशीन्स इज कॉल्ड निटिंग। इंटरलॉकिंग लूप्स, आपस में एक दूसरे को इंटरलॉक करना। आपने कभी अपनी दादी या नानी या किसी को भी देखा है ऐसे मम्मा को निटिंग करते हुए? दो नीडल्स होती हैं, नीडल जैसी होती है जिसे हम सिलाई कहते हैं, और उसको एक के अंदर एक दूसरा फिर ऐसे ऐसे करते हुए देखा है उसे, वो स्वेटर बनाते हैं, तो वो बेटा निटिंग होती है। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग अ फैब्रिक, एक फैब्रिक बनाने का ऐसा प्रोसेस जिसमें लूप्स को इंटरलॉक किया जाता है, आपस में जोड़ा जाता है, उन्हें बांध दिया जाता है इंटरलॉक करके, ऑफ अ सिंगल यार्न विद निटिंग नीडल्स, निटिंग की नीडल्स होती हैं बेटा दो, और या मशीन से भी निटिंग की जाती है। निटिंग इज डन बाय हैंड्स एंड आल्सो बाय मशीन्स। देखो बेटा ऊपर वाली पिक्चर में हाथों से निटिंग हो रही है, राइट, एंड नीचे मशीन से निटिंग हो रही है। दोनों तरीके के स्वेटर्स हाथ के भी आते हैं, या मार्केट से भी हम परचेज करते हैं ना स्वेटर्स, जहाँ पे भी विंटर सीजन होता है मार्केट से भी परचेज करते हैं। तो जो मार्केट के स्वेटर्स होते हैं वो मशीन्स के थ्रू बनाए जाते हैं, और जो हम हाथ के पहनते हैं वो घर में हमारी मम्मी या दादी या नानी या जो भी है वो लोग बनाती हैं, राइट। ओके, नेक्स्ट इज हिस्ट्री ऑफ क्लोथिंग मटीरियल। अब बेटा हिस्ट्री क्या है क्लोथिंग मटेरियल की, कपड़ों की? कपड़े तो हमने जान लिए कैसे बनते हैं, क्या होता है, कैसे कैसे हमारे पास आते हैं, बट इसकी हिस्ट्री क्या है, कब से कपड़े बनने स्टार्ट हुए या कब से आ रहे हैं? इन एशियन टाइम्स पीपल यूज द बार्क ऑफ ट्रीज, बिग लीव्स ऑफ ट्रीज, एनिमल स्किन्स एंड फर टू कवर देमसेल्व्स। पुराने ज़माने में बेटा, कभी आपने देखा होगा अलीमन की फ़ोटो, आपने हिस्ट्री में अपनी देखी भी होगी, तो पुराने टाइम में क्या होता था, वो लोग क्या करते थे कि एनिमल स्किन्स या लीव्स, ठीक है, या बड़े बड़े बार्क ऑफ ट्रीज, बड़ी बड़ी लीव्स, और या एनिमल की स्किन वो लोग, या फर, ठीक है, अपने आप को कवर करने के लिए वो लोग इन चीज़ों का यूज़ करते थे। जैसे इस पिक में भी है, देखो आप, एनिमल स्किन भी है, फर भी है, उसने अपनी बॉडी को कवर किया हुआ है। तो पुराने ज़माने में जब बहुत ज़्यादा पुराना, अर्ली मैन जो थे ना, वो लोग इस तरह से क्लोथिंग करते थे, इस तरह से कपड़े पहनते थे। When people begin to practice agriculture, जब उन्होंने एग्रीकल्चर, खेती करना स्टार्ट किया, और अपने आप को पानी के पास लेके गए, मतलब उन्होंने वहाँ पे पानी के पास रहना चालू किया, तब उन्होंने weave twigs and grass to make mats and baskets etc. तब उन्होंने एग्रीकल्चर जब करना स्टार्ट किया तो धीरे धीरे उन्होंने क्या सीखा, क्या सीखा, twigs and grass, जो बेटा वो होते हैं ना तुनके, घास, ठीक है, जो सूखे हुए तो उनके होते हैं, उनको वीव करके क्या बनाया उन्होंने, बास्केट्स बनाई, मैट्स बनाए, ठीक है, और भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें बनाई उन चीज़ों को वीव कर करके, ठीक है। द अर्ली इंडियंस ग्रू कॉटन क्रॉप इन द रीजन्स नियर रिवर गंगा। जो अर्ली मैन थे उन्होंने क्या किया, जो रिवर गंगा के साइड में उन्होंने कॉटन क्रॉप्स ग्रो करी, ठीक है, टू ऑब्टेन कॉटन फाइबर्स फॉर मेकिंग फैब्रिक्स, और कॉटन फाइबर वहाँ से मिले ताकि वो उससे अपने फैब्रिक्स बना सके। एकदम नहीं हुआ बेटा ये प्रोसेस, धीरे 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 करके जब उन्हें धीरे धीरे समझ आने लग गई, वो एग्रीकल्चर की तरफ बढ़े, उसके बाद फायर उन्होंने प्रोड्यूस करी, सब कुछ करा, तो सब चीज़, सब प्रोसेस धीरे धीरे होता है, एकदम से नहीं उनके दिमाग में सारी चीज़ें आ गई। एट दैट टाइम स्टिचिंग वॉज नोन टू पीपल, दे जस्ट ड्रेप द फैब्रिक्स। उस टाइम में स्टिचिंग ज़्यादातर लोगों को पता नहीं थी, वो सिर्फ क्या करते थे, फैब्रिक को लपेट लेते थे, कपड़े को, कपड़ा तो बनाना आ गया, बट उसको अब स्टिच कैसे करते हैं, सिलते कैसे हैं, वो नहीं आया, तो वो क्या करते थे, फैब्रिक को ऐसे ही लपेट लेते थे अपनी बॉडी को कवर करने के लिए। तो आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ सुइंग नीडल, सिलने वाली नीडल, सुई जिसे कहते हैं, जब सुई का इन्वेंशन हुआ, देन पीपल स्टार्टेड स्टिचिंग फैब्रिक्स, तब लोगों ने क्या किया कि कपड़े सिलना स्टार्ट किया, टू मेक डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ्स, और अलग अलग तरह के कपड़े बनाने लग गए। इन द बिगनिंग द क्लोथ्स यूज्ड टू बी हैंड स्टिच्ड, बट दीज डेज सीविंग मशीन्स आर यूज्ड। स्टार्टिंग में लोगों ने उस सुई से ना, हाथ से ही बेटा उस सुई से कपड़े सिलते थे और कपड़े बनाने लग गए, बट आज के टाइम में सब काम, मैंने आपको बताया ना, हाथ से कुछ भी नहीं होता है, सब काम मशीन्स के ही थ्रू होता है।
एग्जाम्पल ऑफ स्टिच्ड क्लोथ्स, स्टिच्ड क्लोथ्स आप पहनते भी हो, टी शर्ट्स आपने पहन रखे होंगे, नहीं तो किसी ने शॉर्ट्स पहने होंगे, जीन्स पहने होंगे, ट्राउजर्स पहने होंगे, ठीक है ना, तो वो सब क्या है, स्टिच्ड क्लोथ्स हैं। तो ट्राउजर्स, शर्ट, कुर्ता, पजामा, सूट, ये सब क्या है, स्टिच्ड क्लोथ्स के एग्जाम्पल्स हैं। दो स्टिचिंग इज अवेलेबल एवरीवेयर, इस टाइम स्टिचिंग जो है वो सब जगह अवेलेबल है, ठीक है, हर एक कोई जो है वो स्टिच्ड कपड़े, सिले हुए ही कपड़े पहनते हैं। आपने कभी किसी को देखा है ऐसे कपड़ा लपेटा और चल दिए? नहीं, हर एक कोई ढंग से प्रॉपरली ड्रेस्ड अप होके और अच्छे से ही कपड़े पहनते हैं। लेकिन हमारी कंट्री में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अभी भी बिना सिली ही पहनी जाती हैं, जैसे बेटा टर्बन, पगड़ी, अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग तरह के लोग अलग अलग तरह से टर्बन को बांधते हैं और या पहनते हैं। तो टर्बन बेटा सिली ही नहीं है, वो एक लंबा कपड़ा होता है, एक फैब्रिक होता है बहुत लंबा, जिसको वो लोग बांधते हैं सर पे, ठीक है। जैसे राजस्थानी लोग अलग तरह से बांधते हैं, राजपूत लोग जो होते हैं, जो सिख लोग होते हैं वो लोग टर्बन अलग तरह से पहनते हैं, ठीक है। तो अलग अलग तरीके होते हैं टर्बन पहनने के, टर्बन मतलब पगड़ी। साड़ी, साड़ी भी एक फैब्रिक ही होती है बेटा, एक कपड़ा ही तो है बड़ा, ठीक है ना, 6 मीटर लॉन्ग जो साड़ी होती है, आपकी मम्मा भी पहनती होंगी घर में, ठीक है। तो वो साड़ी भी क्या होती है, फैब्रिक ही तो होता है, उसको ड्रेप करके साड़ी पहनते हैं, ठीक है। धोती, लुंगी, ये सब फैब्रिक होता है जिसको ड्रेप करते हैं और इसको हम लोग वेयर करते हैं। एंड टर्बन आर यूज एज अनस्टिच पीसेस ऑफ फैब्रिक इवन टूडे, आज के टाइम में भी अनस्टिच पीसेस कुछ फॉर्म में लोग पहनते हैं, यूज करते हैं। नाउ दीज आर सम डेफिनेशंस। स्पिनिंग, द प्रोसेस ऑफ ट्विस्टिंग कॉटन फाइबर्स टू फॉर्म यार्न, ठीक है। स्पिनिंग क्या था कि कॉटन फाइबर्स को यार्न में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को स्पिनिंग कहते हैं। वीविंग, द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग टू यार्न्स टुगेदर। वीविंग क्या होता है कि वो प्रोसेस दो यार्न्स को एक साथ अरेंज करना, और कैसे अरेंज करना उसको हम क्या कहते हैं, वीविंग, जो मैंने समझाया था ना आपको, ऐसे ऐसे करके 90 डिग्री के एंगल में उसकी वीविंग करी जाती है। निटिंग, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग अ पीस ऑफ फैब्रिक फ्रॉम अ सिंगल यार्न, एक यार्न से फैब्रिक बनाना वीविंग के थ्रू, बुनाई के, वो सॉरी निटिंग के थ्रू, बुनाई के थ्रू। नेचुरल फाइबर्स, फाइबर्स ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज, एंड सिंथेटिक फाइबर्स दैट आर मेड इन फैक्ट्रीज यूजिंग केमिकल्स। फिल इन द ब्लैंक्स, नायलॉन एंड पॉलिएस्टर आर डैश फाइबर्स। नायलॉन एंड पॉलिएस्टर कौन से फाइबर्स हैं, सिंथेटिक फाइबर्स, राइट। डैश इज अ प्रोसेस ऑफ रिमूविंग सीड्स फ्रॉम कॉटन बॉल्स। बेटा अभी मैंने बताया था आपको कि कॉटन बॉल्स को, कॉटन में से रिमूव करने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, गिनिंग। डैश इज द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल फाइबर। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल फाइबर कौन सा है, फर्स्ट मोस्ट कौन सा है, कॉटन, एंड सेकेंड मोस्ट सबसे ज्यादा जो यूज होता है, जूट, ठीक है। टू मेक फैब्रिक्स ऑल फाइबर्स आर फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू, फैब्रिक्स बनाने के लिए सारे फाइबर्स को हम किस में कन्वर्ट करते हैं, सबसे पहले यार्न, यार्न में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। ओके, आंसर इन वन वर्ड, पॉलिएस्टर इज अ, पॉलिएस्टर क्या है बेटा, सिंथेटिक फाइबर। ओके, पॉलिएस्टर इज नॉट अ नेचुरल फाइबर। नेचुरल फाइबर्स तो बेटा थोड़े से ही है ना, हमने अभी पढ़े हैं कौन कौन से हैं, कॉटन, जूट, फ्लैक्स एंड वूल, राइट। कॉटन ग्रोज बेस्ट इन विच सीजन, कॉटन सबसे ज्यादा कौन से सीजन में अच्छा होता है, अभी बताया था समर सीजन, राइट। यार्न्स आर मेड ऑफ, यार्न्स किससे बनाए जाते हैं, फाइबर्स। नेम द एनिमल फ्रॉम विच वूल इज मोस्ट कॉमनली ऑब्टेंड, ऐसा कौन सा एनिमल है जहाँ पे सबसे ज्यादा, जिससे हमें वूल पाई जाती है, जिससे हमें वूल मिलती है, कौन सा ऐसा एनिमल है, शीप। नेम वन फाइबर ऑब्टेंड फ्रॉम द स्टेम ऑफ प्लांट, ऐसा कौन सा फाइबर है जो प्लांट की स्टेम से ऑब्टेंड होता है, ऐसे दो फाइबर्स हैं बट आपको एक ही बताना है, कौन सा ऐसा फाइबर है, जूट और फ्लैक्स। ओके, द क्लोथ मेड फ्रॉम द स्टेम फाइबर्स ऑफ फ्लैक्स प्लांट इज कॉल्ड, जो फ्लैक्स प्लांट के स्टेम फाइबर्स से जो कपड़े बनाए जाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, लिनन। ओके, सो अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन फीचर्स के बारे में जान लेते हैं बच्चे। लर्न लाइव फ्रॉम द कम्फर्ट ऑफ योर होम, बिकॉज ऑफ कोविड
आप लोग बाहर नहीं जा सकते हैं और जाना भी नहीं चाहिए बिकॉज इट इज़ नॉट सेफ फॉर यू. ओके, तो अपने घर के कंफर्ट में बैठ के आप पढ़ाई कर सकते हैं. ठीक है, अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है आपको सारे कोर्सेज का, टॉप एजुकेटर्स मिलते हैं आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे, रेगुलर डाउट क्लियरिंग एंड आंसर राइटिंग सेशंस, एग्जॉस्टिव कवरेज ऑफ ऑल द सिलेबस, मेंटरशिप एंड गाइडेंस प्रोवाइड की जाती है, स्टडी मटेरियल इन द पीडीएफ फॉर्म आपको प्रोवाइड किया जाता है, प्रैक्टिस टेस्ट होते हैं, लाइव टेस्ट सीरीज होती है एंड बैच कोर्सेज भी होते हैं. प्राइजिंग सब्सक्रिप्शन के लिए जैसे एग्जाम्पल 3 मंथ्स 6 मंथ्स का अगर ये प्राइस है तो अगर आप मेरा कोड NB01 अप्लाई करते हैं तो आपको डायरेक्टली 10% का डिस्काउंट भी मिल जाता है. और इसके लिए आपको क्या करना होगा, अनअकैडमी की लर्निंग ऐप डाउनलोड करनी होगी. प्ले स्टोर पर जाइए, वहाँ से अनअकैडमी की लर्निंग ऐप डाउनलोड करिए और मेरा कोड अप्लाई करिए NB01 फॉर द सब्सक्रिप्शन. अनअकैडमी आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के बारे में, बेटा आइकॉनिक में क्या होता है, प्लस सब्सक्रिप्शन के आपको सारे बेनिफिट्स तो मिलेंगे, प्लस उसमें कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स होते हैं. जैसे आपको पर्सनल मेंटर प्रोवाइड किया जाता है, लाइव डाउट सॉल्विंग आपको दी जाती है, वीकली रिपोर्ट्स आपकी आती है, आपके पेरेंट्स के संग एक कनेक्शन होता है, कॉन्टैक्ट होता है, स्टडी प्लानर प्रोवाइड किया जाता है एंड सारे जितने भी बेनिफिट्स हैं अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन के वो आपको सब मिलते हैं. तो आइकॉनिक की प्राइसिंग डिफरेंट होती है, प्लस की थोड़ी सी अलग होती है, बट अगर आप मेरा कोड NB01 अप्लाई करेंगे तो आपको डायरेक्टली 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा. सो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक ज़रूर करिए, क्योंकि लाइक करेंगे तभी मुझे पता चलेगा कि मेरे बच्चों को मेरी वीडियो कितनी पसंद आई. ओके, एंड शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ में एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको मेरी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके. सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. Thank you so much, all of you. Have a nice day. Bye. Bye.